पंजाब में गर्माए माहौल को देखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC भी अब अलर्ट हो गया है। आपको बता दें कि हिमाचल के सोलन जिला का नालागढ़ क्षेत्र पंजाब बॉर्डर से सटा हुआ है, जिसमें पंजाब से हिमाचल और हिमाचल से पंजाब की ओर आने जाने वालों का रोज का रास्ता है, क्योंकि BBN औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पंजाब से भारी मात्रा में लोग रोज यहाँ अपने रोजगार एवं शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, जिसके मद्देनजर HRTC नालागढ़ डिपो से रोज HRTC की बसें चलती है। गौर रहे कि पंजाब में वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब के कई शहरों में धारा 144 लगी है। ऐसे में इस प्रकार की माहौल को देखते हुए HRTC ने पंजाब जाने वाले बसों के ड्राइवरों व कंडक्टरों को अलर्ट रहने को कहा है। ड्राइवरों कंडक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि पंजाब में स्थिति खराब होती है तो तुरंत बसें लेकर वापस हिमाचल आ जाए। जोगिंदर सिंह चौधरी, RM HRTC बिलासपुर। आजकल मैं यहाँ पे ड्यूटी चार्ज है, मेरे पास 10-15 दिन के लिए यहाँ के RM साहब छुट्टी पे हैं, तो इसलिए अब कल से यहाँ हूँ। दोबारा फिर बिलासपुर जाना पड़ेगा, ऐसे रूटीन में चला रहेगा 10-15 दिन। नहीं, इसके मामले में हमारे हेड ऑफ से भी डायरेक्शन है, जैसे हमारे पास TM साहब चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं और ऊना का स्टाफ जैसे इंचार्ज उनके कुछ होशियारपुर में पोस्टेड है, तो इस तरह जो सराउंडिंग के डिपो हैं जैसे ऊना हो गया, नालागढ़, इनको सभी को डायरेक्शन है कि अगर पंजाब में कोई हिंड्रेंस पैदा होती है, कहीं कोई बंद होता है या कुछ है, तो अपनी गाड़ियों को सेफ जगह पहले दो। अब जैसे कुछ गाड़ियां मान लो सपोज करो अमृतसर में खड़ी है, तो उनको अगर वहां पे एकदम कोई हल्ला कुछ शुरू हो जाता है तो अपनी गाड़ियों को सेफ जगह लगाना है। नहीं, इसमें जैसे नालागढ़ से है रोपड़ के लिए, तो इसमें दिन में 13-14 टाइम है जो नालागढ़ से रोपड़ के लिए जाते हैं, इसमें उसके बाद 10-12 टाइम ऊना के हैं, वो भी पंजाब होकर ही जा रहे हैं, और दिल्ली के तो खैर चंडीगढ़ से अलग निकल जाते हैं, उनका तो अलग से है। नहीं, अभी तक कोई इस तरह का इशू नहीं आया सामने। नहीं, अगर बंद होता तब तो रोकनी पड़ेगी। पंजाब में गर्माए माहौल को देखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC भी अब अलर्ट हो गया है। आपको बता दें कि हिमाचल के सोलन जिला का नालागढ़ क्षेत्र पंजाब बॉर्डर से सटा हुआ है, जिसमें पंजाब से हिमाचल और हिमाचल से पंजाब की ओर आने जाने वालों का रोज का रास्ता है, क्योंकि BBN औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पंजाब से भारी मात्रा में लोग रोज यहाँ अपने रोजगार एवं शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, जिसके मद्देनजर HRTC नालागढ़ डिपो से रोजाना HRTC की बसें चलती है। गौर रहे कि पंजाब में वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब के कई शहरों में धारा 144 लगी है। ऐसे में इस प्रकार की माहौल को देखते हुए HRTC ने पंजाब जाने वाले बसों के ड्राइवरों व कंडक्टरों को अलर्ट रहने को कहा है। ड्राइवरों कंडक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि पंजाब में स्थिति खराब होती है तो तुरंत बसें लेकर वापस हिमाचल आ जाए। जोगिंदर सिंह चौधरी, RM HRTC बिलासपुर। आजकल मैं यहाँ पे ड्यूटी चार्ज है, मेरे पास 10-15 दिन के लिए यहाँ के RM साहब छुट्टी पे हैं, तो इसलिए अब कल से यहाँ हूँ। दोबारा फिर बिलासपुर जाना पड़ेगा, ऐसे रूटीन में चला रहेगा 10-15 दिन। नहीं, इसके मामले में हमारे हेड ऑफ से भी डायरेक्शन है, जैसे हमारे पास TM साहब चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं और ऊना का स्टाफ जैसे इंचार्ज उनके कुछ होशियारपुर में पोस्टेड है, तो इस तरह जो सराउंडिंग के डिपो हैं जैसे ऊना हो गया, नालागढ़, इनको सभी को डायरेक्शन है कि अगर पंजाब में कोई हिंड्रेंस पैदा होती है, कहीं कोई बंद होता है या कुछ है, तो अपनी गाड़ियों को सेफ जगह पहले दो। अब जैसे कुछ गाड़ियां मान लो सपोज करो अमृतसर में खड़ी है, तो उनको अगर वहां पे एकदम कोई हल्ला कुछ शुरू हो जाता है तो अपनी गाड़ियों को सेफ जगह लगाना है। नहीं, इसमें जैसे नालागढ़ से है रोपड़ के लिए, तो इसमें दिन में 13-14 टाइम है जो नालागढ़ से रोपड़ के लिए जाते हैं, इसमें उसके बाद 10-12 टाइम ऊना के हैं, वो भी पंजाब होकर ही जा रहे हैं, और दिल्ली के तो खैर चंडीगढ़ से अलग निकल जाते हैं, उनका तो अलग से है। नहीं, अभी तक कोई इस तरह का इशू नहीं आया सामने। नहीं, अगर बंद होता तब तो रोकनी पड़ेगी।